और देश आज ईद मना रहा है। थोड़ी देर में ईद की नमाज देश भर में अदा की जाएगी। तमाम शहरों में ईद की रौनक है। हालांकि यूपी से लेकर एमपी तक अलर्ट जारी किया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तो देश भर में आज मनाया जा रहा है ईद का त्योहार, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। थोड़ी देर में अदा की जाएगी ईद की नमाज। एमपी से लेकर यूपी तक अलर्ट जारी है, सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और ईद को लेकर खासे इंतजाम किए गए हैं, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। खरीदारी के लिए लोग बाजारों का रुख करते हुए भी नजर आए। मुंबई, दिल्ली और भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश में ईद की रौनक नजर आ रही है। तो आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। थोड़ी देर में ईद की नमाज देश भर में अदा की जाएगी। तमाम शहरों में ईद की रौनक नजर आ रही है। हालांकि यूपी से लेकर एमपी तक अलर्ट भी जारी किया गया है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जामा मस्जिद से लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय का रुख करेंगे। संजय, तस्वीरों के जरिए अगर आप हमें दिखा सके किस तरह से जामा मस्जिद में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, कैसी रौनक। ईद की नमाज अदा कर दी गई। सुबह 6 बजे यहाँ नमाज का वक्त था। अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त होता है ईद की नमाज का। और ईदगाहों में या मस्जिदों में 2 साल बाद ऐसा मौका आया है जब मस्जिदों में पूरी क्षमता के साथ लोग यहाँ नमाजी पहुंचे और उन्होंने ईद की नमाज अदा की। इसके साथ ही पूरे देश में लोगों ने ये दुआ मांगी कि जो दौर अब तक 2 साल से चल रहा था वो दौर खत्म हो, एक नया दौर शुरू हो, मोहब्बत का, खुलूस का, अमन का, चैन का। और सबसे बड़ी, जिस तरह की वबा यहाँ 2 साल से पूरी दुनिया को जिसने तबाह कर रखा था, उस तरह की चीज़ें दूर हों और खुशी और अमन का माहौल हो। मेरे साथ केरल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और 2 साल बाद जामा मस्जिद में पूरी संख्या में लोग यहाँ भरे, नमाज अदा की गई। तो इनसे हम बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? शबाब सत्तार। तो शबाब भाई, 2 साल बाद यहाँ पर ऐसी रौनक लगी है? हाँ, इतना आदमी वगैरह तो ये साल पे ही है। पहले ये कोविड की वजह से थोड़ा बहुत ऐसे दिक्कत हो गया था, माने रेस्ट्रिक्शन थे ना, अभी तो पूरा ऐसे फुल फ्लेज्ड अच्छा तरीके से। तो आपका ये पूरा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप बताओ कि पिछले साल कब आए, पिछली बार कब जामा मस्जिद में नमाज अदा की थी? 2 साल पहले? हाँ, मैं फर्स्ट ईयर में इधर आया वो नमाज के लिए, ईद का दिन। थर्ड ईयर आ गया? हाँ, अभी थर्ड ईयर है डी यू। अभी हाँ हाँ, मैं भी पिछले साल आया था लेकिन इतनी क्राउड नहीं था। There was not much crowded like this. So, मैं जरा एक छोटे बच्चे से बात करना चाहूंगा जो एक कलाम सुनाना चाहते हैं। जी। अस्सलामुअलैकुम, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज मैं आपको एक हम्द सुनाऊंगा। आओ आओ सर को झुकाए, दीन खुदा की हम पे गाए, जिनने इस दुनिया को बनाया और हमें फिर इसमें बसाया, जिनने पानी और हवा दी, जिनने हमारी आग जला दी, जिनने बनाए चांद सितारे, फूल खिलाए प्यारे प्यारे, जिनने हमें ईमान दिया है, हम पे बड़ा एहसान किया है, शुक्र है कुछ किसी का गम है, बस हम पे खुदाई का यही करम है। सलाम। वाह, तो सारे लोगों ने अमन की दुआएं की हैं। और बिल्कुल बस संजय भाईचारे और आपकी प्रेम का संदेश देने वाला ईद का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और जम्मू से ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमारे सभी दर्शकों को ईद मुबारक।